हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा भाई, आपके कुछ पुराने कलीग्स हैं, आपके साथ उन्होंने बहुत काम किया है। आए हैं यहाँ पे आज? जी जी, आपसे मिलने आए। अजय, मुझे थोड़ा, सोनी साहब दो मिनट, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं आया। तुम दीपिका बन के आई हो, सच्ची सच्ची बताना। ये तो खुदा का कह रहा है, ये तो खुदा को उंगली दिखाने वाली बात है। खुदा तू जो मर्जी कर, मैं तो दीपिका हूँ। यू डिड रॉन्ग सरला, यू हर्ट मी। आप, मैं पहचान गया हूँ, लेकिन फिर भी अपना आप एक बार इंट्रोडक्शन दे देंगे। खान साहब, आप मुझे भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके एटीएम का पिन तुम्हें याद रखेंगे। अर्ज करती हूँ जी, जैसे अमृत में घुस जाता है कीड़ा, वैसे ही मैं चाहती हूँ आपके दिल में समाना। देव बाबू, आपने अपनी चंद्रमुखी को नहीं पहचाना? माफ करना, बुढ़ापे में ब्रेक थोड़ा सा स्लो लगता है। बहुत अच्छा लगता है आपका, जैसा भी लगता है। हे नवाजू, नवाजिश, आपके लिए शेर अर्ज करती हूँ। किस बात की खुशी है जो इतना मुस्कुराते हो, किस बात की खुशी है जो इतना मुस्कुराते हो। शाहरुख ने बताया कि आप शूटिंग में नहा के नहीं जाते हो। बदतमीजियां नहीं करनी यहाँ पे आके। ऐसी बात, इधर आओ। Now my turn. Hello sir. Hello Simran. मुझे तो पहचान लिया तुमने? मैं पहचान लिया? मुझे पहचान लिया राज? मैंने कहा था ना मुझे पहचान लेगी, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। 10 बजे की ट्रेन 11 बजे निकलेंगे मीरा रोड से पकड़ के। वैसे आप मुझे तो पहचान ही गए होंगे, मैं आपकी जिंदगी की डियर आलिया। मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। किसके लिए? एक्टिंग के लिए। कौन सी फिल्म के लिए? उड़ता पंजाब के लिए। बंपर, अगर तुम आलिया होती ना तो पंजाब उड़ ही नहीं पाता, पहली बात तो। पंजाब ऐसे उड़ने की कोशिश करता तो धड़म से नीचे गिरता और उसका हो सकता है पटियाला टूट जाता। तो मतलब कहां से आलिया बैठो, कुछ भी बन के आते हो तुम लोग। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आलिया हूं तो मैं आपको एक बात बताती हूं, उससे आपको यकीन हो जाएगा। ओके, एक बार एक मोबाइल बाथरूम में गिर गया, पूछो क्यों? क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं था। मेरा ह्यूमर देखा ना आपने, मेरा ह्यूमर। मैं हॉलीवुड तक पहुंच गई हूँ, आप आगे नहीं आने दे रही। एक्सक्यूज मी, मूव आलिया, मूव इट। हाय नवाज, नमस्ते। नमस्ते। हाय शाहरुख। हाय, हाउ आर यू? मैं आपकी आपकी सिर्फ आपकी दीपिका पादुकोण। कौन पादु, क्या मतलब? दीपिका, हॉलीवुड रिटर्न, मेरी अभी अभी फिल्म आई है। बट यू डोंट वरी, तुम्हें समझ नहीं आएगी, फिल्म इंग्लिश में है। आपने कहा था कि किसी भी चीज को। मुझे बड़ा अजीब लगता है दीपिका, मुझसे छोटी दिखे तो। शाहरुख, आपने कहा था कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे उसकी शादी से सजाने की जुट जाती है। नहीं 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 नहीं, ट्राई करते हैं। हाँ, दोबारा दोबारा। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। आपसे आपसे शादी करवाने की जुट जाती है। ओके ठीक है, तुम अभी तो विन डीजल से कर लो,
उसके बाद मेरे से शादी करनी है अभी अभी इस शो में शादी करनी है। तुम लोगों को मैंने ओरिजिनल हीरोइन लाने को भेजा था, तुम लोग क्या बन के आ गए हो? नहीं हम लेने गए थे, हम सच में लेने गए थे, हमें क्या पता हम वहाँ पे लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके तो सिर्फ लेने के देने पड़ गए, मेरे पीछे तो डॉक्टर देने पड़ गए। बहनों चलो निकलो फिर टाइम पे। एक्सक्यूज मी बहन, किसको बोला आपने? बम्पर ये तुमसे कुछ बोल रहे हैं? हाँ मैंने सुन लिया। अच्छा शाहरुख भाई 25 साल से इंडस्ट्री में रोमांस कर रहे हैं, कोई एक रीजन बता दो कि वो तुमसे रोमांस करे, कोई भी एक रीजन, जो भी तुम्हारा दिल करे, मनगढ़ंत भी हो सकता है, बट व्हाटएवर। मान लो कि हम भीख मांगने के लिए आए हैं। मान लो कि वो तो तुम आई हो। सच में प्लीज प्लीज हमें भी रोमांस का एक मौका दीजिए ना। सब करीब आ जाओ आप लोग, मैं आपकी गोद में लेट जाता हूँ, शेयर कर लेना मुझको सबके साथ। क्या शाहरुख भाई 25 साल से इस तरह की लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हो? मतलब सो तो बेटर, मैं बहुत अच्छा, मैं गोली वोली चलाता हूँ, ऐसे ये भयानक लड़कियाँ तो नहीं मिलती मुझे। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, बम्पर भी मुंह से गोले चलाती, चला के दे बंद। चलिए ऐसा करो नवाज भाई को एक्सपीरियंस कराओ रोमांस का। नहीं अगर मैं थोड़ा सा, मेरे ख्याल में भी था रोमांस वोमांस करने का, इनको इनके साथ करके वो भी चला जाएगा। एक मिनट, ओरिजिनल लेडीज को माफी है, जो डुप्लीकेट है इधर आ जाओ। तुम्हें मैं ये करते हैं मेहमानों के साथ? अरे नहीं नहीं, ये करते हैं मेहमानों, साफ सफाई करते हैं मेहमानों के साथ, साफ सफाई में विश्वास रखते हैं। तुम बस बस सॉरी, लहंगा पहन के इतने साल निकाल दिए, निकलो यहाँ से, चलो नवाज भाई ये तो कुछ नहीं करते। नवाज भाई और शाहरुख भाई के लिए जोरदार तालियां। शाहरुख सर, नवाजुद्दीन सर, आपकी फिल्म रईस गुजरात में शूट हुई है, तो हमें तमारा माटे गुजरातनू मस्त जमवानू ले आया छे, तो विल यू टेस्ट एंड टेल अस व्हाट ऑल वी हैव गॉट फॉर यू? यस मैं खा जरूर लूंगा, बता नहीं सकूंगा शायद क्या क्या है। मुझे बहुत नॉलेज है गुजराती डिशेस की। ओ लवली, मंगवाइए, आपका कहाँ है? हेलो हेलो, साथ में टाई वाले कौन है भाई साहब? अच्छा मुझे लगा बाउंसर है। आप तो पूरा अहमदाबाद उठा लाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। मैं बता देता हूँ इसमें क्या है, ये है हरी मिर्च, गुजराती में भी हरी मिर्च सेम ही है, ये बड़ा बड़ा अच्छा लगा। ये है कांदा, वो चीजें तो मैंने बता दी, देखो भाई मेरी इंटेलिजेंस। ये पानी है, कोई और होता तो पकड़ नहीं पाता। मैंने और नवाज भाई ने गुजरात में शूटिंग की थी, हमको बहुत आदत होगी खाने की। अच्छा आप वो नहीं लेके आई तो गुजरात में? अच्छा गुजरात ड्राई स्टेट है। इसका नाम मालूम पड़ा क्या था? ये नहीं, कैन यू गेस व्हाट इज, आप बताओ ना क्या डिश थी? उंधियू? ये अभी बता देता हूं, ये मैं बताना नहीं, मैं खुद बताऊंगा। टेस्टी बिंदियो मारूं छू खाऊं, ये साटा, ये बोल, ये समरिया खांडी। भाई पूछ के क्यों बता रहे हैं आप? पूछ कौन रहा है, बात कर रहा हूं मैं तो आपस में यार, इंसान इंसान से बात नहीं करेगा। एक अखलाक होते हैं, खाना लेकर आए, ये क्या बता? दूधपत क्या क्या? अच्छा एक बात करो, एक सेकंड शाहरुख भाई, कौन थला? एक सेकंड, ओके फाइनल हो गया ना, ठीक है एक सेकंड, अब दो सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो शाहरुख भाई, ठीक है? कुछ नहीं करना आपने भैया, अगर अब तुमने बताया ना मैं आगे से तुम्हें शो में नहीं बुलाऊंगा, ठीक है? अभी वही चीजें दोबारा बताओ जो आपने बताई, अभी तो आपने पूछ लिया ना। हाँ हाँ, अभी बताओ ये क्या था? ये तो पूछी नहीं थी मैंने।
चलो और क्या पूछा था ये बता दो। ये वो ये गजबा दबा है और ये ना क्या क्या ये बता दो। तुम्हारा माइक खराब हो रहा है, ये गजबा दबा है, ये गांधी ज्योति बजे बताया और ये चौकी दिख रहे बाप। हेलो हेलो क्या कर रहे हो, माइक ठीक करो महबूब भाई, क्या कर रहे हो। देखो ना ये तुम्हारी प्रोडक्शन वैल्यू इतनी खराब है, माइक नहीं चल रहा तुम्हारा, मैं तो ठीक बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपका खाना खा गए नहीं कि मेरी प्रोडक्शन में चार गलतियां निकाल देंगे, आप लेके जाइए भाई साहब। लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा खाना, मैं बाद में खाऊंगा वरना शो पूरा खत्म हो जाएगा। बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत टेस्टी यार ये, मैं खाऊंगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।